जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो है गुरु पूर्णिमा है, तो आज भारतीय निवेशक परिवार में, ट्विटर में, टेलीग्राम में, स्लैक में, बहुत जगह जो है शुभकामनाएं और गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में संदेशों की प्राप्ति हुई। जैसे कि आज सुबह सुबह मैंने डाला था कि भाई ठीक है, गुरु पूर्णिमा है, गुरु की महत्ता है, लेकिन अब देखिए अर्जुन और दुर्योधन के गुरु सेम ही थे, है ना। तो जो शिष्य क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या ग्रहण करते हैं, किस तरीके से उसको अपने जीवन में उतारते हैं, उस बात की महत्ता पे भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये देखिए दिनेश ने बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा है, जिसमें कुछ संस्कृत है, फिर कुछ सॉर्ट ऑफ हिंदी है, वो एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, उसमें से कुछ अवधि मैथिली ऐसा कुछ होगा, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली उसको क्या कहना चाहिए। उसके बाद ये मानसी का मैसेज है, फिर अगर आप नीचे देखें तो ये स्वराज का मैसेज है, फिर अगर आप देखें तो ये सागर का मैसेज है ना। सागर को वैसे भारतीय निवेशक में इंट्रोड्यूस निकुंज ने कराया था 2020 में, मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त 2020 के राउंड में। ये फिर जय का मैसेज है, इसमें बहुत ही सुंदर सा संस्कृत में श्लोक है जिसका मीनिंग लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ सकते हैं इसे। इसके अलावा अगर आप डिस्कशन चैनल में देखें तो अगर मैं आज के मैसेजेस देखूं तो ये कुछ इधर राइट यहाँ आप देखें तो ये दिव्यन्दु का मैसेज है, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन इन माई होल स्टॉक मार्केट जर्नी। एंड श्रेयस का मैसेज है, विशाल ये जो है मित्र हैं दिव्यन्दु के, बहुत दिन से गायब थे, तो इसी उपलक्ष्य में इनको मैंने याद कर लिया, तो इन्होंने बताया नहीं ये भी आ गए वापस। फिर नितिन का मैसेज है राइट, फिर ये वैभव ग्लोबल में वीसीपी बन रहा है वो भी है ना, तो सब है। राज का ये मैसेज है राइट, अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने सबसे अच्छा जो सीखा है वो पेशेंस के बारे में सीखा है भारतीय निवेशक से। यहाँ पे ये सत्या का बहुत सुंदर मैसेज है ना, ये इसको अगर आप देखें तो आप ये है ना एक बढ़िया सा इमेज है, इसमें एक जो है रिक्वेस्ट है, मुख दर्शन दे दो गुरु। अब मुख दर्शन पता नहीं कब होगा, है ना। अदिति का ये मैसेज है गुरु पूर्णिमा के लिए, नो हार्ड वर्क, पैशन, नो डेडिकेशन। तो ये सब मैसेजेस आपको दिखेंगे, ये आज के बाकी मैसेजेस हैं जो आप देख पा रहे होंगे राइट। तो वैसे ये मैं इसलिए नहीं मैं वीडियो बना रहा था कि मुझे ये बताना है कि सागर ने डेडिकेशन, डिवोशन और पैशन अनमैचेबल है ये लिखा है ये पढ़ाने के लिए, लेकिन जो आपके वो रेगुलर श्लोक हैं गुरु के बारे में वो आप सब जानते होंगे, मुझे आज कुछ अलग बताना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो है ये बनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, इसका अंदर 7 अध्याय 15 और उसका श्लोक अगर आप 26 देखेंगे तब आपको जो है कुछ एक नया मिलेगा जो शायद आपने सुना नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार है, यश साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्य सद्धि श्रुतम तस्य सर्वम कुंचर शौचो। इसका मतलब क्या है, तो ये श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 7 चैप्टर 15 श्लोक 26, हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है, जो दुर्बुद्धि मनुष्य उन्हें सामान्य मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण भगवत मंत्रादि ग्रहण उसी तरह व्यर्थ हो जाता है जिस तरह हाथी स्नान के बाद भी स्वयं पर मिट्टी फेंक कर पुनः अपने आप को मलिन कर ही लेता है। इस थॉट के साथ हम आपको इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप आने वाले 1 वर्ष में अपने आप को इतना ऊपर ले जाएंगे समझ में, सोच में, कि आपको लगेगा कि ये तो आप वो है नहीं। धन्यवाद।